नमस्कार दोस्तों, MRG चैनल में आपका स्वागत है। ये हाइड्रोलिक लिवर क्लच दबाने से या बंद करने से ट्रैक्टर नीचे जा रही थी, अभी आपने देखी थी नीचे भी जा रही थी। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट नीचे जा रही थी उसकी वजह क्या थी, यानी लिफ्ट हेड को खोला है, ये आपके सामने खोल के रख दिया है मैंने। अभी इसके अंदर अपन क्या काम करेंगे, कैसे इसको रिपेयर करेंगे ताकि हाइड्रोलिक लिफ्ट नीचे ना जाए, ये अक्सर बहुत ट्रैक्टरों में समस्या होती है इसकी। तो दोस्तों, ये इसके बारे में एक पहले भी वीडियो मैंने दिया था जो अपने चैनल पे पहले भी उपलब्ध है और आप आई बटन में वीडियो देख सकते हो। तो आज ये लिपट मैंने विशेष तौर से इसीलिए खोली है कि क्लच दबाने से नीचे क्यों जाती है, उसमें अपन क्या क्या चीज चेंज करेंगे। तो इस कंटिन्यू वीडियो को आप देखते रहिए और एंड तक वीडियो देखोगे तो इसकी हाइड्रोलिक लिक्विड मैं इसको ऊपर रख के बता दूंगा आपको कि ये खोली ऐसे रिपेयर की और ये वापस फिटिंग करके आपके सामने। एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक। दोस्तों ये वीडियो तो अपन सबसे पहले इस रैम सिलेंडर को हटाएंगे। इसके बोल्ट जो है मैंने पहले खोल दिए थे और अभी इसके अंदर एक ये जो पिस्टन लगता है इस पिस्टन को बाहर निकालेंगे। ये आराम से निकल गया है। अगर टाइट निकले तो इसके अंदर हवा देनी होती है, यानी पंप से आप प्रेशर दोगे पिस्टन बाहर निकल जाएगा। ये इस पिस्टन के ऊपर जो ये देखो सील लगती है, सील बिल्कुल फट गई है ये, ठीक है। और ये रिंग भी अपन चेंज कर देंगे और ये रबड़ रिंग भी चेंज कर देंगे। सील न्यू रिंग और रबड़ रिंग, अभी ये न्यू लाके अपन फिटिंग करते हैं और वीडियो कंटिन्यू देखते हैं। और ये मैंने इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट का पंप भी बाहर निकाल लिया है। तो इसका ये कंट्रोल वाल्व मैं चेंज करूंगा और ये सेफ्टी वाल्व भी नया लगा देंगे। कंट्रोल वाल्व चेंज करने का अगर आपको वीडियो देखना है तो अपने चैनल पे पहले से उपलब्ध है, आप वो वीडियो देख सकते हो और आपको आई बटन में वीडियो वो देखने को मिल जाएगा। ये इस रैम सिलेंडर का पिस्टन है। सबसे पहले अपन ये रबड़ वाली रिंग फिटिंग करेंगे इस तरह, इस ग्रुप में बैठा देंगे ये। अभी ये जो सील है इस सील को, ये कंपनी से सील नहीं आती है लेकिन बाद में इसमें ग्रुप लगा के सील बनाई जाती है। तो इस सील को इस तरह अपन ऊपर रखते हुए इस पिस्टन के अंदर फिटिंग कर देंगे। ये ओके हो गया। अब अपन इस रैम सिलेंडर के अंदर इसको बैठाएंगे। उससे पहले ये जो फर्क पत्तियां हैं इन पत्तियों को इसके अंदर वापस फिटिंग कर लेते हैं। जो पुरानी पत्तियां खराब थी मैंने नहीं लगाई है तो ये नई फिटिंग कर लेते हैं। ये दोनों पत्तियां हैं, ये फर्क इस तरह यहां पहले फिटिंग कर देंगे और ये दूसरा फर्क है जिसको इस तरह फिटिंग करने के बाद इसको ये इस तरह इस वॉल में डाल देंगे। ये दोनों आपके सामने बिल्कुल ओके फिटिंग हो गई, देखो ठीक है। अब अपन ऐसा करेंगे कि ये पिस्टन इसके अंदर बैठाएंगे, इसको हल्का सा अपन ग्रीस लगा देंगे और आप हो सके तो ऑयल में भी इसको फिटिंग कर सकते हो। सबसे पहले अपन इसके ऊपर रखेंगे और इस सील को इस तरह हल्का हल्का पहले फिटिंग करेंगे।
फिटिंग करने के बाद ऊपर से अपन दाब भी लगा देंगे और ये लोहे वाली रिंग को अंदर बैठाते हुए अपन इसको फिटिंग कर देंगे। ये इसको रिंग प्लंजर की सहायता से भी फिटिंग किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये देसी अंदाज है और देसी जानकारी है और ये देसी भाषा है और देसी तरीका है ये इसको बैठाने का। अभी मेरे पास कोई आदमी नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हाथ देना है इस हॉल के ऊपर, फिर ऊपर से हल्की हल्की इस तरह चोट मारनी है। ये पिस्टन अंदर जाएगा और ये कंप्रेशन इसके अंदर रहेगा, फिर आप यहाँ डीजल या पानी यूज लेके अंदर डालना होगा और इसको चेक करना होगा कि ये लीकेज हो रहा है या नहीं। अगर लीकेज हो रहा है तो बाहर निकाल के इसको बोर करा के पिस्टन न्यू फिटिंग कर देना है। अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो ये तरीका ठीक है। ये पिस्टन अब बिल्कुल पूरा फिटिंग हो गया है। अब अपन रैम सिलेंडर को फिटिंग करेंगे। उससे पहले ये जो रैम सिलेंडर के नीचे रिंग लगती है ये रिंग चेक कर लेनी होती है और मिस्टेक है तो न्यू लगा देनी होती है। अब अपन इस रैम सिलेंडर को वापस फिटिंग करेंगे। रैम रॉड को ऊपर रखना है और ये सामने मिलाते हुए ये पत्तियां किस जगह रहनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर से। ये इस तरह ये रैम सिलेंडर का बोल्ट एक मैंने कस दिया, बाकी हेड ऊपर रखने के बाद कसूंगा। हाइड्रोलिक हेड को अपन ऊपर वापस फिटिंग करते हैं इस तरह। ये हल्की सी ट्यूब लगाने के बाद हेड को मशीन की सहायता से अपन वापस इसको फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इस हाइड्रोलिक के ऊपर बनाया गया है कि हाइड्रोलिक क्लच दबाने से डाउन क्यों होती है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, अभी आप देखते रहिए, मैं इसको वापस ट्रैक्टर को उठाऊंगा लिफ्ट के ऊपर और उठाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल लिफ्ट उसी जगह खड़ी है जिस जगह अपन ने रखी है। तो दोस्तों हो सके इतना इस वीडियो को आगे किसान भाइयों में शेयर कीजिए। किसान भाइयों में शेयर करोगे तो इसकी जानकारी किसान भाइयों को मिलेगी। बंद कर दिया है और लिफ्ट उसी जगह खड़ी है, ये देख लो आपके सामने टायर घूम रहा है और लिफ्ट उसी जगह है। जो अपन ने काम किया मतलब एक कम खर्चे में काम कैसे करें, यानी किसान की बचत कैसे हो, अगर इसका मैं चाहता तो कंप्लीट काम भी कर देता लिफ्ट का, जो 8-10 हजार का खर्चा हो जाता। लेकिन अभी मैंने एक सील डाली है, एक रबड़ रिंग डाली है और एक कंट्रोल वाल्व डाला है। मुश्किल से 500-700 का सामान होगा, मतलब 1500-2000 रुपए में इस किसान का काम हो गया। ओके, मेरे हिसाब से हर मैकेनिक को हो सके इतना ही काम करना चाहिए, बाकी देखो अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं कोई अच्छे से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो। ये लो पुरानी यादें और ये रही और पुरानी यादें और ये है साथ का सफर। दोस्तों एक नया वीडियो हर सोमवार शाम को 6 बजे अपने चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा।